गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के पार्ट 3 में मूव करेंगे, जिसमें आज हम लोग राइट सर्कुलर कोन के बारे में सीखेंगे कि हमारा राइट सर्कुलर कोन क्या होता है और इस सर्कुलर कोन से रिलेटेड क्या टर्म्स होते हैं और कुछ एग्जांपल्स जो हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें राइट सर्कुलर कोन की, तो राइट सर्कुलर कोन का शेप कुछ इस तरीके से होता है। आप ये देख रहे हैं, जैसे आपके आइसक्रीम का एक क्यूब होता है, वो हमारा क्या होगा, आइसक्रीम का जो शेप है इस तरीके से आप देख रहे हो। ये कोन, इस कोन में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, पहले तो यहाँ पर ये हमारा जो सर्कल में आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की ये हमारी रेडियस हो जाएगी। ये जो रेडियस से लेकर आपके नीचे तक की ये चीज लाइन देख रहे हो, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो तिरछी तिरछी स्लांटिंग देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ये भी इस तरीके की हाइट ही है आपकी, पर इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, और इसको एल से डिनोट किया जाता है। तो एल का मतलब हो गया आपका स्लांट हाइट, ये भी आपकी हाइट है, पर ये तिरछी हाइट है, ठीक है, इसलिए इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ये आपकी हाइट है, ये रेडियस है, तो ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है। इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। राइट सर्कुलर कोन में आपको क्या क्या निकालना है, इसमें आपको गर्ड सर्फेस एरिया होता है और आपका टोटल सर्फेस एरिया होता है। सी एस ए मतलब गर्ड सर्फेस एरिया और डी एस ए का मतलब टोटल सर्फेस एरिया। सी एस ए यानी गर्ड सर्फेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यानी रेडियस और लेंथ और इंटू पाई। अगर आपको एल नहीं पता है, मान लीजिए एच पता है तो, और आर पता है, तो आप एल निकाल सकते हो। कभी कभी आपके क्वेश्चन में स्लैंट हाइट नहीं गिवन होती है, तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको स्लैंट हाइट मिल जाएगी। टोटल सर्फेस एरिया निकालने के लिए आपका होता क्या है एक्चुअली में, इसमें पाई आर एल, यानी कि ये जो हमारा गर्ड सर्फेस एरिया होता है, ठीक, और दूसरा वाला क्या होता है, ये वाला जो सर्किल है इसका एरिया, और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तब हमारा निकल के आता है टोटल सर्फेस एरिया। इसी में से पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा आपका एल और आर, पाई आर, ठीक है। अब देखते हैं इन्हीं की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर मैंने आपके एनसीईआरटी के 3 एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 आपके लिए एनसीईआरटी का है। और इसी के बाद हम लोग अपने एनसीईआरटी के 13.3 एक्सरसाइज जो कि राइट सर्कुलर कोन पे बेस्ड होगी उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4 में कह रहा था कि हमें एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है जिसकी स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर दिए है, यानी कि ये जो एल है ये हमें दिए है 10 सेंटीमीटर है और इसका आर हमें दिए है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर एल। अगर क्वेश्चन में नहीं कह रहा है पाई की वैल्यू, तो आप 22/7 भी रख सकते हो या 3.1। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 22/7 रखेंगे। आर की जगह यहाँ पे हमारा दिया हुआ है बेस रेडियस 7 और एल हमारी स्लांट हाइट गिवन 10। अगर ना गिवन होती तो पहले हम इसमें एच गिवन होता, एल आर और एच की हेल्प से हम लोग निकालते हैं। सॉल्व करते इसको, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कल भी बताया था कि जब हम सी एस ए या टी एस ए निकालते हैं तो जो हमारी यूनिट होती है वो स्क्वायर में आती है, यूनिट स्क्वायर होती है सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोन है जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है, बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर है, हमें उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है और पाई की वैल्यू 3.14 ली। सबसे पहले सी एस ए के लिए बात करें तो पाई आर एल चाहिए, टी एस ए के लिए भी हमें पाई आर एल प्लस पाई आर चाहिए, तो एल चाहिए और यहाँ पे एल गिवन नहीं है, तो पहले हम लोग एल निकालेंगे। एल के लिए फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और ये रूट में होता है। आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एच, एच हमें कितना गिवन था, 16 का स्क्वायर, और ये पूरा किसमें आएगा, रूट में। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 और 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, ये पूरा रूट में हो जाएगा। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 रूट में, और 400 यानी कि एल जो है हमारी वो निकल के कितनी आ गई है, 26। अब हमारे पास एल गिवन है, तो जब एल गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो ना, अब आपसे वो कहें चाहे आपसे टोटल सर्फेस एरिया निकालने को या आपसे कहें कर्व सर्फेस एरिया निकालने को, हम कोई भी चीज़ इसका आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे सी एस ए निकालते हैं। तो जब सी एस ए निकालेंगे तो सी एस ए निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होगा, मेजरमेंट सारे हैं, एल भी है, एच भी है, आर भी है। सबसे पहले सी एस ए के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, होता है पाई आर एल, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी ले ली, 3.14। आर कितना गिवन था, 12, एल हम लोगों ने कितना निकाला, 20। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 का
12 का और इसके साथ 20 का, तो हमारा आंसर आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा जो सीएसए है वो कितना निकल के आ गया, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इसके अलावा हमें और क्या चाहिए था, सीएसए तो निकल गया, अब हमें चाहिए टोटल सर्फेस एरिया यानी कि टीएसए। तो टीएसए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, IRL प्लस PIR। ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। PIR स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3.14 इंटू आर की जगह पे क्या रखेंगे, 12 इंटू एल की जगह पे क्या रखेंगे, 20 प्लस 3.14 इंटू आर की जगह पे रखेंगे क्या, आर दिया था 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा कितना आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज कॉमन है आपकी, पाई आर एल, और पाई आर एल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये पाई आर एल, यहाँ पे सीधे पाई आर एल की वैल्यू रख देते, 753.6 इंटू, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.14 प्लस का साइन लगाएंगे, बीच में प्लस का साइन है, इंटू 12 इंटू 12। इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, नीचे स्पेस में देते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 753.6 को और साथ में इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आएगा 753.6। फिर जब आप 3.14 इंटू 12 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 452.16। इसका एडिशन कर लेंगे एंड आफ्टर एडिशन यू विल गेट 120.576 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सर्फेस। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, फॉर्मूला देखा आपने, तो यहाँ पे पाई आर की वैल्यू निकाल चुके थे डायरेक्ट, हमने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखे। तो इस तरीके से हम टोटल सर्फेस एरिया और सर्फेस एरिया निकालेंगे। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हम उसकी तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल अगर से आपके एनसीईआरटी का है, इसमें कह रहा था कि एक कॉर्न कॉब है, कॉर्न कॉब का मतलब हो गया भुट्टा, आपने भुट्टे देखे होंगे, तो कह रहे हैं कॉर्न कॉब है जिसकी रेडियस, जो बेस रेडियस है वो गिवन है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी भुट्टे का अज्यूम कर सकते हो, अपने भुट्टे देख सकते हो, डायग्राम बना हुआ है, और उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर वो लंबा एक भुट्टा है जिसकी लेंथ है, और कह रहा है उसकी जो बेस रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है कि अगर वो सरफेस पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस जो है वो कवर करता है ग्रेन, उसको 4 ग्रेन्स चाहिए, 4 अनाज के दाने चाहिए उसको, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वो कवर कर रहा है, तो बताइए कितने उसमें दाने होंगे या कितना एरिया वो कवर करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमें इसमें सीएसए की भी जरूरत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आर गिवन है, एच गिवन है, एल पहले निकालिए, तो एल होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो पहले एल निकालते हैं, यानी कि 2.1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जब आप स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रूट में आएगा 404.41 समथिंग, कुछ इस तरीके से आएगा। इसको जब हम रूट सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें आएगी 20.11 सेंटीमीटर, यानी जो हमारी स्लांट हाइट है वो इस कॉर्ब की आ जाएगी, कॉर्नर कॉर्ब की आ जाएगी 20.11 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सरफेस निकालना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कहिए या कर्व सरफेस एरिया कहिए, बात एक ही है। तो सीएसए निकालना है, सीएसए के लिए फॉर्मूला है आपके पास पाई आर एल, पाई की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 22/7 आर गिवन है आपका 2.1 इंटू एल, हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे 20.11। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अप्रॉक्स में लाएंगे तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना सरफेस एरिया उस कॉर्ब का आएगा, उस भुट्टे का आ जाएगा। अब कह रहा था 1 सेंटीमीटर सरफेस एरिया कवर करते हैं 4 ग्रेन में, हमें कितना निकालना है, फिर यूनिटी मेथड लगाएंगे, 132.730 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए,
तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसने 132.73 से, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 530.92। यानी इतने ग्रेन उसको चाहिए होंगे तब जाके वो पूरा सरफेस एरिया कवर करेगा। तो आपने देखा आज राइट सर्कुलर कोन के बारे में, जिसका फॉर्मूला आपका कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और अगर आपको स्लैंट हाइट नहीं गिवन है तो आप निकाल सकते हो रेडियस और हाइट के एल से, आर स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर से। और उसके एल से हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स यहाँ सॉल्व किया है, और इसके बाद एनसीईआरटी की हम लोग 13.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।